उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के अंतर्गत ब्लॉक फकरपुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत तराई कला में ग्राम पंचायत अधिकारी रीता पाल ब्लॉक फकरपुर द्वारा जांच किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पात्रता सूची में रिंकी मौर्य का नाम था, परंतु जांच में रिंकी मौर्य का पक्का मकान बना पाया था। पक्का मकान बना होने के कारण पात्रता की सूची से नाम हटा दिया गया था, जिसकी शिकायत रिंकी द्वारा खंड विकास अधिकारी व अन्य उच्च अधिकारियों से किया गया था। दिनांक 22 जनवरी 2023 दिनांक दैनिक जागरण के अंक में प्रकाशित खबर को संज्ञान में लेते हुए ब्यूरो चीफ श्री वेद प्रकाश त्रिपाठी CTV 24 न्यूज चैनल की टीम ग्राम पंचायत अराई कला में रिंकी के घर पहुंची और रिंकी के घर का मुआयना किया और बगल के संभ्रांत व्यक्तियों से पूछताछ की, जिसमें रिंकी का पक्का मकान बना होना पाया गया। इससे सिद्ध होता है कि ग्राम पंचायत अधिकारी रीता पाल ने वास्तव में जाँच कर अपात्र की रिपोर्ट खंड विकास अधिकारी को सौंपी थी। ए चलो हमरे मिस्त्री आ गई, तो तुम बैठो वो के चलो वही वो खांदा कम से ना सुबेरे कहीं का घूम घूम बैठा था। हां, आपका शुभ नाम क्या है? रिंकी मौर्य जी। ये मकान के सामने जो आप खड़ी हैं, किसका मकान है? ये जेड का मकान है जी। आपके ससुर कहाँ रहते हैं? ससुर इधर झोपड़ी रख के रहते थे, वो आपकी बारिश में गिर गई है तो वो बाहर चले गए हैं उनके साथ जी। आपके जो पहले का उनका दो आवास था, एक आवास आया।